और देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत की चर्चा इस वक्त चारों तरफ हो रही है, लेकिन इस जीत के पीछे कई ऐसे किरदार भी हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर जीत की जमीन तैयार की। इन्हीं में से एक है भूपेंद्र यादव। देखिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश में कमल या कमलनाथ, ये सवाल पिछले कई दिनों से बार बार उठ रहे थे, लेकिन आखिरकार मध्य प्रदेश में कमल ही खिला। तमाम अनुमानों को उलटते हुए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। वैसे तो इस जीत के कई किरदार हैं, लेकिन इनमें एक ऐसे भी रणनीतिकार हैं जो मध्य प्रदेश से पहले दूसरे राज्यों में भी अपनी रणनीति से विपक्ष को चित कर चुके हैं। जी हाँ, यहाँ बात मध्य प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव की हो रही है। 7 जुलाई को जब भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया तो उनके सामने चुनौतियाँ कम नहीं थी, लेकिन इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए भूपेंद्र यादव ने खास रणनीति बनाई। मसलन भूपेंद्र यादव के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद तालमेल की चुनौती थी, लेकिन भूपेंद्र यादव हर गुट को साध कर साथ लाने में कामयाब रहे। नेताओं के बीच अघोषित रूप से जारी खींचतान पर भी नियंत्रण किया। विधानसभावार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारों का पैनल बनाया। चुनाव प्रबंधन से लेकर टिकट वितरण तक भूपेंद्र यादव की अहम भूमिका रही। कहा जाता है कि भूपेंद्र यादव ने एमपी में कभी काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ के नेताओं से वो बराबर संपर्क में रहते थे और इससे उन्हें मध्य प्रदेश के लिए रणनीति बनाते समय जमीनी आकलन करने में काफी मदद मिली। पिछले कुछ सालों के दौरान भूपेंद्र यादव की पहचान बीजेपी के गिने चुने रणनीतिकारों में हो चुकी है। संगठन में उनके पास राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी भी रही। वो बिहार जैसे राज्य के प्रभारी भी रह चुके हैं। बिहार में पार्टी की सत्ता वापसी में उनकी विशेष भूमिका मानी गई थी। मध्य प्रदेश से पहले भूपेंद्र यादव जिन राज्यों में अपनी रणनीति का लोहा मनवा चुके हैं उनमें उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहते हुए 2017 में यहां भूपेंद्र यादव ने बीजेपी को जीत दिलवाई। वहीं गुजरात में भी 2017 में बीजेपी की जीत में भूपेंद्र यादव की अहम भूमिका रही। इसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में भूपेंद्र यादव की रणनीति काम लाई और बीजेपी को बड़ी जीत मिली। 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी भूपेंद्र यादव की अगुवाई में बीजेपी को जीत मिली। इसी तरह झारखंड में 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली थी। तो इन राज्यों में प्रभारी रहते हुए भूपेंद्र यादव ने बीजेपी को जीत दिलाई थी। हालांकि इसके साथ ही उनकी टीम के दूसरे सदस्यों की भूमिका भी अहम रही। मसलन केंद्रीय मंत्री और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी पर्दे के पीछे बिसात बिछाते रहे। अश्विनी वैष्णव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के डोर टू डोर कैंपेन को संभाला और राज्य के हर जमीनी कार्यकर्ता तक पहुंचे। दूसरी तरफ प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव अपने पिछले अनुभव और जमीनी स्थिति का सटीक आकलन कर मोर्चेबंदी कर रहे थे और इन सब का परिणाम अब सामने है। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी कर चुकी है। टीम न्यूज स्टेट। तो बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद मोदी और शिवराज के चर्चे हो रहे हैं, लेकिन इस जीत के पीछे एक और शिव भी है जिनका पूरा नाम है शिव प्रकाश, जिन्होंने पर्दे के पीछे रणनीति तैयार की। देखिए हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब एक एक कर जीत के सूत्रधारों की चर्चा हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में मध्य प्रदेश में बीजेपी को बंपर जीत मिली। लेकिन कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो किसी पब्लिक मंच पर दिखाई नहीं देते, लेकिन जीत के लिए जमीन तैयार करने में उनकी भूमिका बेहद अहम रही है। इन्हीं में से एक है राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश। शिव प्रकाश मध्य प्रदेश में पर्दे के पीछे से रणनीति तय करते रहे हैं। शिव प्रकाश मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2020 से ही एक्टिव हो गए थे। 6 राज्यों की जिम्मेदारी के बावजूद मध्य प्रदेश को लेकर शिव प्रकाश ने जीत का फॉर्मूला तैयार किया। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की मौजूदगी में 3 साल पहले जो सबसे अहम फैसला लिया गया था वो 51% वोटों का था। शिव प्रकाश ने संगठनात्मक स्तर पर 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य तय किया और इस पर अपनी टीम के साथ काम भी शुरू कर दिया।
इसके बाद 1.5 साल के अंतराल में बीजेपी ने बूथ लेवल, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर पर 51% वोट हासिल करने की रणनीति के मद्देनजर कार्यक्रम तय किए। इसी रणनीति के तहत मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हारी हुई सीटों पर फोकस बढ़ाया और उम्मीदवारों का ऐलान भी पहले हारी सीटों पर किया। बीजेपी ने चुनाव आचार संहिता के पहले ही अगस्त में 39 सीटों का ऐलान कर दिया था। ये वो सीटें थी जहां कांग्रेस मजबूत थी। इसका असर ये हुआ कि कांग्रेस के जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा जैसे नेताओं को हराने में कामयाबी मिली। तो इस तरह पर्दे के पीछे काम करने वाले रणनीतिकारों की फहरिस्त में शिव प्रकाश का नाम भी उन लोगों में शामिल रहा जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी की बंपर जीत के लिए जमीन तैयार की। टीम न्यूज़ स्टेट।